एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पूरी जोश के साथ गांव से बाहर किसी दूसरे शहर तैयारी करने के लिए जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां का भीड़ को देखकर, वहां का कंपटीशन को देखकर उन्हें लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग इतने सालों से यहां मेहनत कर रहे हैं तो उनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपने लाइफ में सफल जरूर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका भी एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके देश की सेवा करूं। और फिर इसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हजारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं और कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं, और ये सारे भीड़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही था। ये सब देखकर ये हताश हो गए, ये घबरा गए। ये इतनी भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगे थे कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा, अरे मेरी तो बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और ये बात हर नए एस्पिरेंट्स के माइंड में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से लौटकर वापस चला गया तो ज़िंदगी में मैं कभी भी आईने को नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जब मैं आईने को देखूँगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर दिखेगा। उसमें ये दिखेगा कि मैं डरपोक था, डर की वजह से मैं तैयारी नहीं किया। और मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उन्हें सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, तो मैं बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता। दोस्त फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी सोच के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। और दोस्त तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया और इसे एक बड़ा झटका लगा और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था और इसका पहला ही एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। और दोस्त जब ये फेल हुआ ना तो इसके घर के आसपास वाले लोग ताना देना शुरू कर दिए। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी नहीं निकल पाएगा, तुम क्यों सपने बड़े देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त ये सब देखकर ये लड़का पूरा टूट गया और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, मैं एक दिन यह ताने को तालियां में बदल कर ही रहूँगा। और दोस्त इसने इस साल किए गए गलतियों को सुधार करके दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह निकला कि इसने प्री मेंस अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में पास कर गया और अब सिर्फ इसका इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन जब यह इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे तो इनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थाउट ही चल रहा था कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा था, इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया और इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतज़ार बहुत उम्मीद के साथ कर रहे थे, ये सोचकर कि चलो इंटरव्यू तो खराब गया लेकिन कोई न कोई छोटा पद तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा हो गया, लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल नहीं पाया, इनका सारा सपना चूर चूर हो गया और इनके साथ इनके माँ बाप का भी सपना टूट गया। और एक तरफ ये और दूसरे तरफ इनके माता पिता रो रहे थे क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं मिला करता और इसे दो अटेम्प्ट मिले थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता। दोस्त इस दुख की घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इनकी माँ थी,
इनकी माँ ने बोली कि बेटा इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पे आके तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है। बेटा एक लंबी छलांग मारो और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त जब ये लाइन इनकी माँ ने कही तो इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त इसने फिर से दिन रात करके तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्जाम के चलते अपने माँ बाप के आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इसने इस बार इतना मेहनत किया कि इसका सिलेक्शन होने से इसे खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया और 72 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। तो दोस्त इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर भरोसा होनी चाहिए और ख़ासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक ज़िले का भार आप कैसे मैनेज करेंगे। और अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी असफलताओं से घबरा कर हार मत मानना, क्योंकि आपकी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत का आदत बन जाती है।